लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा को मिले बहुमत से देश भर में भाजपा समर्थकों के चेहरों पर रौनक छा गई है। भोपाल लोकसभा सीट से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भारी मतों से हरा दिया है। साध्वी प्रज्ञा ने दिग्विजय सिंह को 3,64,000 वोटों से मात दी। प्रज्ञा ठाकुर का राजनीति में पहला कदम ही था और उन्होंने अपनी इस पहली पारी में कांग्रेस के दिग्गज को हरा दिया। साध्वी प्रज्ञा 17 अप्रैल को भाजपा में शामिल हुई थी और पार्टी में आने के कुछ ही घंटों में उन्हें भोपाल सीट से उम्मीदवारी मिल गई थी। पार्टी में आने के बाद से ही प्रज्ञा ठाकुर पर लगे पुराने तमाम आरोपों को विपक्ष ने मोहरा बनाकर जमकर विरोध किया। प्रज्ञा के नाम पर रजिस्टर्ड एक बाइक मालेगांव बम विस्फोट में इस्तेमाल होने के चलते 2008 में उनके इस मामले में गिरफ्तारी हुई। राष्ट्रीय एजेंसी ने उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दे दी है, लेकिन अदालत ने उन्हें मामले में बरी करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उनके खिलाफ मकोका के तहत आरोप हटा दिए हैं। अब उन पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। इस मामले में मुंबई हाई कोर्ट ने उन्हें 2017 में जमानत दे दी थी। प्रज्ञा बचपन से ही निडर रही हैं। वो अपने विद्यार्थी जीवन में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गतिविधियों से जुड़ गई थी। भोपाल जाने के बाद वे एबीवीपी की आयोजन सचिव बन गई थी। कुछ समय वे प्रदेश उज्जैन जिले में भी एबीवीपी की आयोजन सचिव रही। शिक्षा के बाद साध्वी प्रज्ञा अपने परिवार के साथ सूरत चली गई। तब प्रज्ञा संन्यास ग्रहण कर साध्वी बन गई थी। इसी दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में आई, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।